अस्सलाम वालेकुम। फैब्रिक पेंटिंग में ग्रीन कलर बनाने के लिए हमने सबसे पहले येलो कलर लिया है और उसमें लाइट सा हमने ब्लू कलर लिया है, और इनको जब हम मिक्स करेंगे तो येलो और ब्लू कलर को मिक्स करने से ही हमारे पास ग्रीन कलर बन गया है। आप जब भी कभी कलर बनाएं तो आपके फैब्रिक के ऊपर, आपके डिज़ाइन में जिस कदर भी वो उस कलर यूज़ होना हो, आप एक ही साथ बना लें, क्योंकि सेम शेड जब हम दूसरे टाइम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ सकता है। वो शेड पहले से लाइट या फिर डार्क बन सकता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप एक ही साथ कलर बना कर रख लें जो भी आपने शेड बनाना है, ताकि सेम शेड हो। और अगर आप पहले से ही वर्क कर रहे हैं तब आपके लिए उस कलर को बनाना इजी हो जाएगा, तब आप थोड़ा थोड़ा कलर बना सकते हैं। जिस तरह हमने बिल्कुल थोड़ा सा शेड बनाया है, और इस ग्रीन शेड को हमने अब अपने ड्रेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ये किड्स का ड्रेस है और इसमें हम ग्रास बना रहे हैं, और आप देख रहे हैं ये हमने ग्रास ग्रीन कलर बनाया है। और इसके बाद जब ये सूख जाएगा तो हमने इसके ऊपर शेड देने हैं और इसको 3D लुक में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इस ग्रीन के अंदर थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर देंगे तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर डबल शेड कर लेना है। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और छोटी छोटी बिल्कुल आसान टिप एंड ट्रिक्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।